स्टूडेंट को लगता है कि न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। नो, प्रॉब्लम सम्स जो होता है वो बहुत ही आसान होता है, क्योंकि प्रॉब्लम सम्स के क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। बस हम लोग को क्या है, उसको समझना होता है। और ख़ास करके उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जिनका क्वेश्चन इंग्लिश में आता है और वो हिंदी मीडियम या उर्दू मीडियम या बंगाली मीडियम, मराठी मीडियम, कोई भी रीजनल मीडियम से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उनके लिए भी आसान होगा इसको समझना। तो क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव होल नंबर्स इज़ 3। बस इतना पढ़ना है और इसको समझना है। बोल क्या रहा है कि दो डिफरेंस पॉजिटिव नंबर है जिसका डिफरेंस जो है 3 है। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है एक नंबर है ए, दूसरा है बी, तो दोनों का डिफरेंस यानी कि माइनस, डिफरेंस मतलब माइनस होता है, तो दोनों का माइनस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हम लोग अगर मान ले लेट द फर्स्ट नंबर नंबर बी एक्स, तो सेकेंड नंबर अगर निकाला जाए तो आ जाएगा ना ए प्लस 3, सॉरी ए माइनस 3 आ जाएगा ना, है कि नहीं? तो सेकेंड नंबर बी एक्स माइनस 3, ठीक है। अब क्या कह रहा है सेकेंड में, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 117, यानी कि इन दोनों का सम है स्क्वायर, इनके स्क्वायर्स का जो सम है। अब कोई कोई इसको क्या समझते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वह 117 है, नहीं ये नहीं बोल रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोल रहा है सम ऑफ देयर स्क्वायर, मतलब इन दोनों का स्क्वायर का सम। अगर ये बोलता स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ देयर नंबर, यानी कि इन दोनों नंबर का सम का स्क्वायर होता तो 117, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है इन दोनों नंबर के स्क्वायर का सम कितना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सम कितना है 117। तो ए हम लोग फर्स्ट नंबर क्या है, अब यहाँ पे लिखें अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 117। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कैलकुलेट लेट अस राइट द टू नंबर्स, दोनों नंबर निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर निकालना है, ये हम लोग का सम आ गया। अब इसको सॉल्व कर देना है सिंपल, जो आपको मेरे पिछली वीडियो में पूरा पता है कैसे किया जाता है, तो मैं इसको जल्दी जल्दी कर देता हूँ। तो इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर, अब ये फार्मूला है एक्स माइनस 3, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला। फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स इंटू 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 117। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 टू 6 एक्स प्लस 9 इक्वल्स टू 117। अब क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 117 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या है कि ये माइनस 117 है और प्लस 9 है, तो इसमें क्या है प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस आया है तो इसको घटाना है। तो 117 को अगर हम लोग 9 से घटा देते हैं तो बचता है हम लोग के पास 108, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 108। अब ये माइनस 108 इसलिए हुआ क्योंकि 117 बड़ा है 9 से, तो जिसका बड़ा नंबर होगा उसी का साइन हम लोग लिखेंगे इक्वल्स टू 0। अब इन तीनों में देखिए 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 54 यानी कि 54 इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद जो है करना क्या है, 2 को 0 के नीचे ले जाएंगे तो 0 बटा 2 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 54 इक्वल्स टू 0। अब इसको मिडिल टर्म फैक्टर के हिसाब से करेंगे, तो पहले मिडिल टर्म फैक्टर करने का तरीका क्या है, 54 का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, 2 27 3 9 3 3 3 1, तो 3 3 3 2 1, और लाना है हम लोग को कितना 3 लाना है, और कैसे लाना है
माइनस प्लस माइनस यानी कि घटा कर 3 लाना है, तो कैसे आएगा घटा कर 3, तो 3 3 9 माइनस 3 2 6, ठीक है। इस तरह हम लोग का 3 आ जाएगा, तो इसको कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 6 एक्स माइनस 54 इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस में प्लस 6x माइनस 54 इक्वल्स टू 0, एक्स कॉमन हो गया तो एक्स माइनस 9 प्लस 6 कॉमन हो गया तो एक्स माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में जो कॉमन है एक्स माइनस 9 और एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0 therefore, ठीक है। अब इसका आइदर और निकालते हैं, आइदर देयरफॉर एक्स माइनस 9 इक्वल्स टू 0 एक्स इक्वल्स टू 9 अरे बाप, और एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0 एक्स इक्वल्स टू माइनस 6, ये आ गया। लेकिन ये है नॉट पॉसिबल, पॉसिबल क्यों, क्योंकि कोई भी नंबर होल नेगेटिव में नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव होल नंबर्स, यानी कि पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, नेगेटिव नहीं, और ये क्या आ रहा है नेगेटिव में, तो ये वाला आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा 9। तो हम लोग x किसको लेट लिए थे, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट नंबर को x लेट लिए थे और सेकेंड नंबर को x माइनस 3, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे द टू नंबर्स आर 9 एंड 9 माइनस 3 हो गया 6 आंसर, ठीक है। इस तरह ये बनेगा।